हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज है संडे का दिन, ये संडे के दिन का व्लॉग है। तो आज मैं जो भी मैंने पैंटें सिली थी, जो कि आप जानते होंगे अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, कंपनी के पैंटें सिलती हूँ, जेंट्स पैंट। तो पहले तो जो भी आप पैंटें देख रहे हैं, जितना ये पहले मैं इतना 2 दिन में पीस बना लेती थी, लेकिन अब मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो ये मेरा महीने भर में 15-20 दिन में ये मेरा इतना पीस बना है। तो काफ़ी दिन से इधर उधर रखा था, तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोची इसको मैं गिनती मार के और नोट डाउन करना रहता है वो करके, और फिर इसको पैक करके भेज देती हूँ ये कारखाने चले जाए। तो ये सारा काम, ये सब जो पीस वगैरह भेजना रहता है, ये संडे के दिन होता है। और इत्मीनान से जो भी हफ्ते भर का सिला रहता है तो वो संडे के दिन जाता है माल कारखाने, तो वो मैं भेज देती हूँ। तो ये तो मेरा काफ़ी दिन का है, हर वीक वाला नहीं है, जो हर वीक मैं करती हूँ संडे के दिन इसको पैक करके भेजती हूँ, क्योंकि अब तबीयत नहीं ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ गई, तो मैं सिल नहीं रही हूँ 1-2 महीने से, बहुत कम, बस एक आध पीस बना लेती हूँ। तो आज संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स था, स्कूल वगैरह बेटे को नहीं लेके जाना था, तो मैंने सोची, और मैं भी थेरेपी के लिए नहीं जा रही थी, तो जो भी पीसेस सिली हुई है तो वो सब मैं चेक करके और सब पैक करके भेजना है, तो ये सारा काम करके ले लेती हूँ। तो ये सुबह का वक्त है, हस्बैंड शॉप पर जा चुके हैं, नाश्ता टिफ़िन उनका सब कुछ हो गया है, किचन का भी काम हो गया है, और इधर मैंने हॉल में आके हॉल का भी काम कर लिया था। तो फिर मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ, और ये देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ और सारी पीसेस रख रही हूँ। और फिर आयशा भी साथ में सोकर उठ के आई हैं, तो बहुत सारी उनकी बातें रहती हैं, सारी बता रही हैं, बात अच्छी अच्छी बात कर रही हैं, हंसा रही थी साथ में। और तलहा को मैंने हेयर कट के लिए भेजा था तो वो भी आ गए, क्योंकि उनको नहलाना था, तो मैंने बोली पहले हेयर कटिंग करा के आ जाओ उसके बाद। तो तलहा भी आ गई, बोल रहे मुझे पहले आप नहला दीजिए उसके बाद फिर मैं खेलने के लिए जाऊँगा। तो फिर इधर तलहा और आयशा से बातें भी कर रही हूँ, और इधर मेरा नोट डाउन हो गया, और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसी पैंटें सिलती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ। और ये पैंटें सारी पैक करने के बाद, और ये 2 ड्रेस आई थी सिलने के लिए, तो उसको भी मैं आपको दिखा रही थी। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया है, मैं जा रही हूँ थेरेपी के लिए। तो आज सुबह लेट उठी थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो टिफ़िन नहीं बना पाई थी, तो फिर अब तलहा को छोड़ के और मैं थेरेपी के लिए जहाँ जा रही हूँ, तो स्टेशन पे वहाँ पर मेरी शॉप भी है हस्बैंड की, तो वहाँ पर उनकी टिफ़िन में देकर फिर आगे मैं अपने क्लिनिक जाऊंगी। और आज मेरी मुझे आराम नहीं है, तो डॉक्टर ने मेरी थेरेपी चेंज किया है, तो जो आपने अभी देखा आज मुझे वो वाली थेरेपी हो मेरी होगी, जिससे मुझे रिलैक्स भी लगा। और ये फिर बाहर निकलो तो फिर शॉपिंग वगैरह चालू रहती है हमारी, तो फिर मैंने ये वाला एक बांधनी का ड्रेस लिया था, क्योंकि फिर इतनी दूर रोज़ रोज़ आना नहीं होता, तो मैंने सोची अभी मैं थेरेपी के लिए आ ही रही हूँ इतनी दूर, तो फिर थोड़ा थोड़ा गर्मी के ड्रेसेस वगैरह लेती जाऊँ, और फिर एक बार शॉप पर चले जाओ और कुछ पसंद आ जाता है तो फिर नेक्स्ट डे से लगता है कि जाकर उसको ला लो। और फिर इधर मैंने कुछ अपने लिए ड्रेस बनाई थी, तो उसका मैचिंग पैंट का कपड़ा ले रही थी, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो ग्रे कलर तो नहीं मिला, और येलो पे भी येलो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके लिए मैंने रेड ली थी पैंट बनाने के लिए। और पहले मैं वो ग्रीन कलर का आप अभी देखे दुपट्टा ले रही थी, पर वो बहुत महंगा दे रहे थे, तो वो दुपट्टा मैंने नहीं ली, और फिर मैंने उसमें येलो पर रेड और रेड लगाया था। और ये मेरा यही वाला मेरा कपड़ा है इसी में का, और मेरी भाभी का ग्रे कलर का था, तो उनका ग्रे कलर का पैंट का कपड़ा मिल ही नहीं रहा था, वो मैच नहीं हो रहा था, और ये वाला मैं ले रही थी, ये येलो पे बहुत अच्छा जा रहा था, येलो पे ग्रीन, लेकिन ये दुपट्टा ये इतना महंगा दे रहे थे, मैंने सोची अगर ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है मैं ले लेती तो फिर इस पर मैं सलवार या फिर पैंट का कपड़ा लेके बना लूँगी, पर ये 450 का दुपट्टा बोल रहे थे, मुझे इतना महंगा नहीं चाहिए था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने उस पर नेक्स्ट शॉप पर जाके मैंने रेड कलर का पैंट का कपड़ा लिया था, फिर रेड दुपट्टा भी ले लिया था, और ये ग्रे कलर के लिए मैं 2-3 शॉप पर गई पर मुझे नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोची फिर मैं इसके लिए रेडीमेड प्लाजो ले लेती हूँ, तो ग्रे पे वाइट अच्छा लगता है,
तो फिर बोर्ड ढूंढने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैं इधर से आके मार्केट, आप देख रहे हैं ये हमारे स्टेशन के पास की मेन मार्केट है, तो यहाँ ये मेरे रास्ते में पड़ती है, मतलब जहाँ मैं क्लिनिक से आती जाती हूँ वो वाली। तो जो भी चीज़ें आजकल दुपट्टा या पैंट का कपड़ा कोई भी चीज़ें, तो मैं कुछ ना कुछ लेते आती जाती हूँ, क्योंकि उतनी दूर जाना हो गया मार्केट में, तो सारे एक एक काम करती रहती हूँ। तो फिर आगे जो मुझे ग्रे कलर पे नहीं मिला था पैंट का कपड़ा, तो उधर मुझे वाइट कलर का दिखा एक प्लाजो, और वो सिला सिलाया भी था, तो मैंने फिर वही ले ली। मैंने सोची सिलना भी नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लग रहा था, और इधर ये 200 रुपये में टॉप लगी थी तो अच्छी लग रही थी, तो मैं खड़े होकर देखने लगी, तो वो भैया बोल रहे थे ले लो, पर मुझे अपने हाथ का सिला ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये दोपहर शाम हो गई थी, 4 बज गए थे मुझे लौटने में, और दुकानें सारी लग गई थी, रोड पर भी बाज़ार लग गई थी, और दुकानें भी सब अच्छे अच्छे सामान जो भी सस्ते मिलते हैं सड़क पे सारे लग चुके थे। तो ये वाला जो प्लाजो आप देख रहे हैं, ये मैंने वाइट वाला लिया था ग्रे वाली टॉप के लिए। और फिर स्टेशन पे आ गई थी, तो रिक्शा लेने से पहले मैंने सोची कि तलहा को एप्पल जूस आजकल अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए मैं एप्पल जूस ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ से तलहा डायरेक्ट जाऊँगी, तो तलहा के स्कूल का टाइम हो गया है, तो फिर मैं वहाँ पर स्कूल के पास जाकर रिक्शे से उतर के वहाँ तलहा को भी ले लूँगी स्कूल से। तो मैंने सोची उनके लिए मैं ये जूस पैक करा लेती हूँ, पर यहाँ पर मैं खड़ी हो गई, मुझे इतना लेट हो गया क्योंकि इनको बनाने में इतना टाइम, और ये दुकान पे इतना गर्दी थी, मतलब इनका फेमस है यहाँ का जूस स्टेशन का एप्पल जूस, तो इतना यहाँ गर्दी थी। फिर यहाँ नंबर ही मैं उनको बार बार बोल रही थी पहले मेरा पार्सल कर दो, तो वो बोल रहे थे कि आपका पार्सल है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर पीना है तो मैं दे देती। मैं बोली मुझे पीना नहीं, मुझे पार्सल लेना है। तो फिर मुझे यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर मैं जाकर तलहा को स्कूल से लेके तब घर आई थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये तलहा को दिख गया मलाई, ये इनको बहुत पसंद है। तो उधर मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और तलहा को कही थी जाओ ले लो, तो तलहा इधर अपने लिए मलाई ले रहे हैं, और ये वो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। मुझे लगा बस वो गिराने वाले थे, फिर मैंने हाथ में लिया और फिर उनको बोला मैंने सैनिटाइज करके तुम खा लो, मैं घर तक नहीं ले। तो इस तरह से मंडे का दिन मेरा पूरा थेरेपी लेने, तलहा को स्कूल छोड़ने और सारे काम में गया। तो और हम लोग अब अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं, मैं तलहा का बैग आगे लेकर चल रही हूँ, तलहा पीछे आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।